अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो फिर अर्जुन की तो पराजय निश्चित रूप से लिखी थी ऐसा लगता है ना। अर्जुन दुर्योधन चालाक था, उसने भगवान की अक्षुणी 11 अक्षुणी सेना मांगी, लेकिन वहां पर नारायणी सेना मांगी, बोला ये आ जाएगी तो मैं और शक्ति संपन्न बन जाऊंगा। लेकिन जिसके साथ भगवान है वो ही वास्तव में सक्सेस है जीवन में, फिर चाहे वो श्लोक जानता है या नहीं जानता हो, कोई कला हो या ना हो इसमें, लेकिन वो कलावान बन जाएगा, गुणवान बन जाएगा, है ना, सत्यवान बन जाएगा और पूरा संसार उसको गुणगान करेगा, उसको सम्मान करेगा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने से, है ना। तो ये इस वास्तव में सच्चाई है। तो भगवान इसकी निंदा कर रहे हैं, इसलिए आपको देखना है कि परम चेतना अर्थात ईश्वर आपके कार्यों से प्रसन्न है। परम चेतना कौन है बोलिए? ईश्वर कौन? भगवान कृष्ण। वो आपके कार्यों से प्रसन्न है। असली भावना किसकी है? भगवान की। तो यहाँ पे पूरा कॉन्शियस के ऊपर डिस्कस किया है कि वो जो परम चेतना है, परम कॉन्शियस, यह क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए नाम बहुत सोच समझ कर रखा है, कृष्ण भावना भावित बनो, कृष्ण कॉन्शियस बनो। घर में सोने से क्या कृष्ण भावना भावित बनोगे बताइए? बनेंगे? नहीं बनेंगे। फालतू लोगों का संग करने से कृष्ण भावना भावित नहीं बनेंगे। अभी हम पिकनिक जाने के लिए हॉलीडेज आते हैं तो पिकनिक जाने के लिए इतना उत्साह दिखाते हैं, सब लोग तैयार हो जाते हैं। हम ये हमारा खुद का ये एक्सपीरियंस है, आपस में देखते हैं, है ना। तो उसमें जो भी करना पड़े वो सारा प्रयास करते हैं, पूरा दम लगाते हैं, पिकनिक होनी चाहिए, देख नहीं पिकनिक होनी चाहिए। सोचिए सब कुछ करना पड़े करते हैं, सारी बीमारी खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाती है, वहां पर सब उत्साहित हो जाते हैं, वो हेल्थी बन जाते हैं। अगर कहीं पे फार्म हाउस या कहीं पे अच्छी जगह जाने के लिए मौका मिल जाए, लेकिन जब प्रवचन होता है माला जप करने बैठते तो बीमार हो जाते। तो ये बात समझने वाली है, हमको समझना है, बहुत जरूरी है ना, असली बात है ना। और फिर बहाना बनाते हैं कौन सा, कि वहां पर भी जाके तो भगवान की सेवा करेंगे, मंगल आरती करेंगे, वहां क्या करेंगे? मंगल आरती करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे वहां पर, है ना। तो बस आनंद आएगा बहुत, सब लोग जुड़ेंगे भी इस तरह, तो अच्छी बात है। तो ये वास्तव में समझने वाली बात है। भक्त लोग ये नहीं कहते कि भक्त लोग जाते हैं कहीं, लेकिन क्या है कि वो आइडियल पूरा जो है ना वो डेवलप करते हैं सिस्टम, कि हर चीज कृष्ण से रिलेटेड हो पूर्ण रूप से, और पहले अपना भजन साधना को देखते हैं फिर जाते जाते हैं। लेकिन हमारा देखिए कि लेवल ऑफ कॉन्शियस कितना है, तो हमारी चेतना जो है वो पूर्ण रूप से कृष्ण भाव से खाली नहीं है। तो हमारे आचार्य ने एक चीज बताई है जो हम सबके लिए प्रभुपाद भी बोलते थे और उनके डिसाइपल्स भी बोल रहे हैं, फिर उनके डिसाइपल्स के डिसाइपल जो प्रचार कर रहे हैं वो भी ये बोल रहे हैं। तो वो ये कहते हैं आपके पास दो रास्ते, एक रास्ता है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत, उनके लिए प्रयास करो जितना हो सके, शक्ति भगवान देखे अगर प्रयास करेंगे तो, है ना। प्रभुपाद जी को जब 70 साल की उम्र में शक्ति मिल सकती है तो फिर हमें भी नहीं मिल सकती अगर हम फॉलो करेंगे, है ना। तो यही रास्ता आपके पास, और जो कि सबसे सही रास्ता है। दूसरा रास्ता है या तो फिर पूरे तरीके से माया में रहो और उसका भोग करो तो आनंदित रहोगे, या पूर्ण रूप से भक्ति में सही जुड़ो तो आनंद आएगा, या फिर माया में रहकर जो रहो तो फिर आनंद आएगा। बीच में जो रहता है, थोड़ा भगवान थोड़ा माया, थोड़ा भगवान थोड़ा माया, वो ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक स्थिति है, करें उसको संकट ज्यादा सताएंगे, क्योंकि एक तरफ भक्ति का आनंद भी ले रहा है, एक तरफ भोग की इच्छा है, तो ये दोनों एक साथ मैच नहीं हो सकते, मिश्रण भक्ति। ये मिश्रण भक्ति में भी मिश्रण है, ये तो ऐसी ज्ञान मिश्रण सकाम मिश्रण यानी कर्म मिश्रण भक्ति है ना। फिर उसमें भी कलयुग में तो उसमें भी मिश्रण हो गया, पता नहीं कितना हो गया, क्योंकि कलयुग में आप देख रहे हैं कि धर्म कई दिशाओं में बढ़ गया, तो कितनी मिश्रण भक्ति हो गई है ना। कोई बाबा को मानता है, कोई उसको मानता है, कोई इस तरह बोलता है, मैं भगवान को भी मानता हूँ, तो कहाँ से कितनी मिश्रण भक्ति हो गई,
है कि नहीं? तो ये वास्तव में समझने वाली बात है, ये सच्चाई है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये देखिए इन लोगों को किस तरीके से गाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपके कार्यों से मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्न है अथवा समाजी लोग प्रसन्न अथवा नहीं, तो और अर्जुन के कार्य का अनुमोदन भगवान कृष्ण ने नहीं किया, केवल अपनी सनक या इंद्रियों की तुष्टि के लिए पहले अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, अपनी सनक इंद्रियों की तुष्टि के लिए, किंतु अंत में कृष्ण की तुष्टि के लिए उसने युद्ध किया। बाद में फिर कृष्ण को जब सरेंडर किया है ना, तब जाके तो कौन सा श्लोक है वो सरेंडर करने वाला अर्जुन का, शादी माम त्वाम प्रपन्न है ना, वो कृपण उसमें बताया गया ना देवते है ना। तो उसमें अर्जुन जो है वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के सातवां श्लोक करीशे, नहीं नहीं वो नहीं, वो तो 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन बोलता, तो ये दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक में अर्जुन सरेंडर करता है भगवान, क्योंकि अर्जुन ने वहां पे एक चीज सिद्ध की कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस जो थे जितने भी वो मैंने सारे इंप्लीमेंट करके देख लिए, परंतु मैं दुख का ही सामना कर पा रहा हूँ। अर्जुन के पास ज्ञान था, एक आदमी लड़ाई सीखता है हर चीज़, तो उसको ज्ञान भी होता होगा ना, हर चीज़ तो जानता है ना, फाइटिंग कैसे करनी है सब कुछ है। और बड़े बड़े योद्धाओं के साथ महात्माओं के साथ रहा, तो उसके पास ज्ञान तो था, लेकिन मोह उसका खत्म नहीं हुआ था। तो उस मोह को तोड़ने के लिए भगवान उसको इस तरीके से उसका परम दूर करने के लिए ऐसा ज्ञान उनके पहले उनके सामने भगवान ने खड़ा किया। तो हमको भी जब हम भक्ति में आते हैं सबसे पहले कौन बाधा आता है बताइए, कौन बाधा बनता है? हमारा ही परिवार, तो भगवान खड़ा करते सामने ऐसे ही होता है ना कि नहीं? अर्जुन को भी ऐसे ही खड़ा है। तो आज हम लोग अपने ही रिश्तेदार स्वजनों परिवारों को देखकर अपने नाम नहा धर्म बना लिए हैं, असली जो धर्म प्रभुपाद जी ने बनाया था इस सोसाइटी को उसको भूल गए है ना। तो हर कोई अपना अपना निजाम, अपना अपना धर्म, अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपने कुटुंब को लेकर, और वो सिस्टम अपना है ना। उससे क्या हो रहा है, शांति किसी को नहीं मिली, जो अर्जुन कर रहा था वही हम कर रहे हैं, है कि नहीं? जब अर्जुन सात दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में भगवान को सरेंडर करता है ना, तब जाके अर्जुन को असली शांति मिलना शुरू होती है, भगवान जब उसको अपना शिष्य बनाते हैं, कृष्ण भगवान का डिसाइपल बना। तो हमें कृष्ण भगवान का डिसाइपल बनने के लिए प्रभुपाद जी का संस्था में रहकर उनके शिष्यों का डिसाइपल बनना पड़ेगा, तब होगा, उसकी आज्ञा पर चलेंगे तब बनेंगे। ये वास्तव में असली शिक्षा है, सेम वही कनेक्शन अर्जुन का और कृष्ण का हुआ, वही कनेक्शन हमको भी मिलेगा वैसे ही।